ऐतिहासिक सभाएं होने जा रही है तारापुर की भी और कुशेश्वर स्थान की, और इसमें सभी समाज के हर धर्म के हर वर्ग के लोग उपस्थित रहेंगे। और आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि लोग जो हैं आप कल भी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा भी नहीं छूटा, और लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि जिनको उन्होंने चुना है उनसे वो सवाल कर सके। कल कुछ नौजवानों ने 19 लाख रोजगार में से पूछा कि कितने रोजगार हमको मिले, यार 19 लाख रोजगार जो है कब मिलेगा। नीतीश जी ने अपना आपा खोया, और उनके वापस आने के बाद उन सभी निर्दोष गरीब जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, केवल अपना अधिकार मांग रहे थे अपने मुख्यमंत्री से, उनको जो है जेल में सुनाने का काम, जेल में बंद कर दिया। क्यों अरेस्ट किया गया भाई? ऐसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था, बस उन्होंने तो यही लिखा था कि 19 लाख रोजगार का वादा का क्या हुआ। हम आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हमारी पार्टी जो है बेरोजगारी को लेकर रैला गांधी मैदान में हम लोग बुलाने का काम करेंगे, जहां इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई आपके वादे का क्या हुआ। और हम आपको बता दें, बहुत बड़ा जो है ये रैला होएगा। जगह जगह हम जाते हैं तो लोग जो है बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का बिहार केंद्र बना हुआ है, लोग परेशान हैं, शिक्षा चिकित्सा सब चौपट हो रखा है, रोजी रोटी नहीं, लोगों की आमदनी नहीं हो रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई है चरम सीमा पर, लोग परेशान हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने फैसला किया है कि आने वाले समय में जनवरी या फरवरी के माह में चुनाव जब खत्म हो जाए तो एक बेरोजगार को लेकर के एक बड़ा रैला पटना में आयोजित किया जाएगा। और हम लोग तो सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो छात्र, जो गरीब नौजवान जो हैं, जिनको आपने गिरफ्तार किया है, वो सबको जो है जल्द से जल्द अविलंब छोड़ने का काम करें। इसमें उन मासूमों का क्या दोष है भाई, जो आपने जो है सृष्टि उसको वैसे उसकी सृष्टि नजर आती है। हम तो नहीं कहना चाहते हैं सृजन चोरों का क्या नाता रहा है, बालिका गृह वालों का क्या नाता रहा है, शराब माफिया वाले सीएम हाउस में एक अन्य मार्ग में बैठते हैं, हम तो इस पर कुछ नहीं कह रहे। हम तो चुनाव में केवल जनता के जो मुद्दे हैं उसी को उठाने का काम कर रहे हैं। तो उनकी ऐसी दृष्टि है, उनको वैसी सृष्टि नजर आ रही है। और हम आपको बता दें, ये जो बात कर रहे हैं, इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक 500 व्यवसायिकों की हत्या हुई है पूरे बिहार में, 500 व्यवसायिकों की हत्या हुई है पूरे बिहार में इन सितंबर तक। और मुख्यमंत्री अगर हमसे डिटेल मांगेंगे तो नाम पता गांव जिन जिन की हत्या हुई हमने लिस्ट तैयार की हुई है, उनको भी हम पहुंचवा देंगे, उन तक हम पहुंचवा देंगे लिस्ट की कौन कौन से 500 व्यवसायिकों की हत्या हुई है। ये क्या है भाई? तो हमको इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं कहना। लोग हार को देख के अलबनाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, क्या बात है भाई। कभी कहते हैं नोटिस नहीं लेते, कभी क्या क्या आरोप लगा देते हैं, खुद ही एक अपने बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन भावनात्मक शोषण लोगों का बंद करें। जरूर करें कि आप लोगों ने विकास का भी विसर्जन कर दिया था अपने शासनकाल में। वो भय दिखाया जा रहा है, वो से एजेंडा बनाया जा रहा है। मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। हम तो वही बोले ना, इतिहास की बासी पन्नों को सूंघते रहे, वर्तमान और भविष्य हमारा खराब हो रहा है, इस पे जरा ध्यान देना। डबल इंजन कितने साल से वहाँ, MLA से लेके बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार, आपका
आपने तस्वीरें देखी होगी कुशेश्वर स्थान का, हमने शेयर किया है। हम मुख्यमंत्री जी कुशेश्वर स्थान में जाके झूठ बोले कि 12वीं तक की पढ़ाई होती है। हमने वो स्कूल का वीडियो भी दिखाया, वहाँ के लोगों से भी पूछा, आज तक कोई क्लास ही नहीं लगी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।